अभी इंडिया में एसयूवी सबसे ज्यादा बिक रही है एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर एटसेट्रा की बहुत ही डिमांड है। बट मारुति सुजुकी की कोई भी मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में नहीं बिक रही। एस क्रॉस एक है बट उसको आप एसयूवी नहीं कह सकते, वो ज्यादा क्रॉस ओवर लुक के साथ आती है। बट अब मारुति सुजुकी की न्यू एसयूवी भी आने वाली है इंडिया में। आज ही हरियाणा में मारुति के प्लांट पर सुजुकी विटारा एसयूवी स्पाई की गई है। आप इसको अभी मिल रही सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा से कंफ्यूज मत करना। विटारा एक कंप्लीट डिफरेंट एसयूवी है जो 4 मीटर लेंथ से लंबी होगी एंड ज्यादा कैपेबल भी होगी। तो चलिए बात करते हैं मारुति सुजुकी विटारा में क्या क्या आएगा एंड इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट क्या होगी। रिसेंटली हरियाणा में मारुति के प्लांट के पास ये कार स्पाई की गई थी, बट ये वाला मॉडल इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा मॉडल है। सो ये इंडिया में जो आएगा वो प्रोडक्शन रेडी यूनिट नहीं है, बट इसके बेस पे इंडिया में जल्द ही इसका मैन्युफैक्चरिंग भी होगा जिसमें इंडिया के हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे। इस कार की डायमेंशन की बात करें तो इस कार की लेंथ 4300 मिलीमीटर होगी एंड हाइट 1620 मिलीमीटर एंड विड्थ 1780 मिलीमीटर होगा, जो कि इसको क्रेटा एंड सेल्टोस जैसी कार से कम्पीट करेगी। और रही बात डिजाइन की तो ये कार इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही विटारा से थोड़ी डिफरेंट होगी, बट ये कार टोयोटा एंड मारुति सुजुकी दोनों मिलकर बनाएंगे। सो इसका सेम वर्जन टोयोटा में भी आएगा दूसरे नाम से। इस कार में एक्सटीरियर डिजाइन में एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिक ORVM एंड 18 इंच एलॉय व्हील देखने को मिलेगा। और रही बात इंटीरियर की तो न्यू मारुति सुजुकी विटारा में 10 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन आएगी, जो कि अभी मिल रही सभी मारुति कार से बड़ी होगी, जिससे ये कार ह्युंडई क्रेटा को प्रॉपर कॉम्पिटिशन दे पाएगी। इसके सिवा इस कार में इंटीरियर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बियंट लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक, वेंटिलेटेड सीट्स एटसेट्रा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और रही बात सेफ्टी की तो ये कार किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी ये तो अब तक लीक नहीं हुआ है, बट इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही विटारा बहुत ही सेफ कार है। बट हाँ, मारुति सुजुकी हर बार इंडिया में घटिया बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स बनाने के लिए पॉपुलर है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से अलग होती है। बट सेफ्टी के बारे में तो हम फ्यूचर में ही देख सकते हैं। बट हाँ, इसमें 7 एयरबैग्स, ADAS, इमरजेंसी ब्रेकिंग एटसेट्रा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। और रही बात इंजन की तो इस कार में ओनली पेट्रोल इंजन आएगा, जैसे कि अभी मिल रही सारी मारुति कार्स में आता है। इसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आएगा, जिससे इस कार में आप अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रही बात प्राइसिंग की तो अब तक प्राइसिंग में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट ये कार क्रेटा को कम्पीट करेगी तो इसकी प्राइस आप 10 लाख से स्टार्ट होगी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये कार अभी शॉर्ट टाइम में तो रिलीज होने के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज एज पर आर रिपोर्ट इंडिया में अब तक विटारा का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। बट हाँ, ये कार 2022 के एंड तक आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, मारुति सुजुकी विटारा क्रेटा को टक्कर दे पाएगी? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।